हरियाणा के झज्जर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने दोहरी हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पूर्व थाना लाइन पर बहादुरगढ़ के एरिया में हुई दोहरी हत्या की वारदात को सुलझाते हुए झज्जर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। थाना लाइन पर बहादुरगढ़ के पर्यवेक्षण अधिकारी DSP राहुल देव के मार्गदर्शन और थाना प्रबंधक देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम द्वारा 3 आरोपियों को काबू करके लाइन पर बहादुरगढ़ निवासी 2 व्यक्तियों की हत्या की वारदात को 2 दिन के अंदर ही सुलझाने में सफलता हासिल की गई। बता दें कि बीती 4 मई को हुई दोहरी हत्या की उपरोक्त वारदात को गंभीरता से लेते हुए DIG और SP झज्जर अशोक कुमार IPS द्वारा उपरोक्त मामले में गहनता से कार्रवाई करने और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। दोहरी हत्या के उपरोक्त मामले में गहनता और तत्परता से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपियों ने योजना बनाकर साजिश के अनुसार दोहरी हत्या करने की उपरोक्त वारदात को अंजाम दिया था। बुधवार को थाना सेक्टर 6 बहादुरगढ़ के प्रांगण में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए DSP राहुल देव ने वत्स कॉलोनी लाइन पर बहादुरगढ़ निवासी 2 व्यक्तियों की हत्या की वारदात के षड्यंत्र का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आपसी घरेलू विवाद और अवैध संबंधों के संदेह के चलते आरोपी रणबीर उर्फ फौजी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर किए गए षड्यंत्र के तहत योजना बनाकर दोहरी हत्या की उपरोक्त वारदात को अंजाम दिया गया था। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ थाना प्रबंधक लाइन पर बहादुरगढ़ निरीक्षक देवेंद्र कुमार की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 को बहादुरगढ़ की अदालत में पेश किया गया। अदालत से 3 आरोपियों को पूछताछ के लिए 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। डबल मर्डर हुआ था, जिसका हमने जल्द से जल्द टीमें लगाकर खुलासा कर दिया है, जिसके अंदर 3 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार करा है। एक तो रणबीर और फौजी पवन पुत्र रामफल, जो चोली गांव का है, सोनीपत में पड़ता, फिलहाल यहाँ पे रह रहा था। तीसरा पवन का ही साला तेजपाल। इसके अंदर इस तरीके से खुलासा हुआ, रणबीर में शुरू से हमारी शक्ति सुनी थी, जो रणबीर को हमने इंटरोगेट करा तो रणबीर ने बताया कि उसने 2 आदमियों को हायर करा था, पवन और उसके साले को तेजपाल को, और उनसे ये मर्डर कराया। इसके अंदर जो हथियार था 32 बोल का, वो हमने बरामद कर लिया है। 2 मैगजीन और 7 राउंड बरामद करे। आज हमने इनको पेश करा है और 1 दिन का इनका पुलिस रिमांड लिया है, ताकि आगे पूछताछ कर सके। क्या वारदात के पीछे क्या वजह? पीछे नजायज संबंध का मामला आ रहा है और उसमें अभी और गहनता से हम जांच कर रहे हैं। जो रणबीर की वाइफ है, उसके संबंध ये जो मृतक है, तो फिर भी हम इसकी जांच कर रहे हैं। हम सिर्फ मुलजिम के वर्जन पे नहीं है, अभी और आगे गहनता से जांच कर रहे हैं इस बारे में। सर, इसमें मरने वाले 2 जो है, मनोज को इन्होंने मेन टारगेट करना था, पर मनोज के साथ वो दूसरा आदमी जो घूम रहा था, उसने उसको बचाने की कोशिश करी, उसमें उसको भी गोली मार दी। और इसने अभी पीछे मंदिर का पेंट करवाया था, तो वहीं से इनकी जानकारी हुई, और असला जो है रणबीर ने ही लाके दिया था। ये बाइक भी हमने रिकवर कर ली है। तो चोरी की बाइक बता रहे? नहीं, चोरी की बाइक नहीं है, ये अपने एक साथी से बाइक मांग के लेके आए थे और वो बाइक हमने बरामद कर ली। टारगेट कर रहे थे, क्योंकि इसकी जो प्लानिंग है वो जनवरी से बननी शुरू हो गई थी। जो रणबीर की इंटरोगेशन में आया, प्लानिंग जनवरी से बननी शुरू हो गई थी। फिलहाल ये छुट्टी आया हुआ था, BSF में है रणबीर, तो आने के बाद इन्होंने कई दिन इनकी रैकी करी है, और फिर ये देखा कि ये सुबह अकेले जो है वो विद्रोह उस पर घूमने के लिए जाते हैं, और वहीं उनको टारगेट करा। पवन जो है जोली लाट गाँव पड़ता है, हाँ, सोनीपत के अंदर आता है, फिलहाल यहाँ पे किराए पर रहता है। और ये रहने वाला है, वैसे ये दिल्ली रणबीर नगर का रिमांड। हाँ, 1 दिन का रिमांड किया है। तीनों भाई, तीनों